हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रिएटर। इस वीडियो में हम देखेंगे सीजेट पेपर 2 के सीडीपी का सेक्शन। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो 1 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फटाफट से बस सिर्फ आंसर करते चलेंगे, ठीक है। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसके पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 2 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या होगा? 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, जेंडर बायस्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? 4 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अस्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विशिष्ट शिक्षा योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सृजनात्मक बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ या फिर करता हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 17, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन टू, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश होती है, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होती है या फिर है। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, स्कीमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक उचित प्रश्न या फिर सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है या फिर बदला जाता है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख लक्षणों में से एक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन वन, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। फर्स्ट, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। सेकंड, निष्क्रिय अवृत्तीय प्रक्रिया। थर्ड, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। एंड फोर्थ, कौसलो का अर्जन। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 28, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, अंतर्व्यक्तिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, वन को छोड़कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यहां दिया गया है मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, सारे ही करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीटेट पेपर टू CDP का सेक्शन किया। मेरे पास टेस्ट बुकलेट कोड X है, तो हो सकता है कि आपके पास दूसरा सेट हो, तो क्वेश्चन बस नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन तो सेम ही है सबका, तो आप अच्छे से उसको मैच कर लेना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।